बात हो मंत्री जी, एम्स विजय के उपलक्ष में नाच गाने का आयोजन किया जाए। क्या महाराज, बार बार शीघ्र ही सारा प्रबंध किया जाए। मंत्री जी, धरती को प्रस्तुत किया जाए। क्या महाराज, महाराज की जय हो। महाराज इंद्रजीत उस वानर को बंदी बनाकर ले आए हैं। अच्छा आने दो। आवाज नहीं पहचानी गई, पता है। राजू भैया लीजिए, पिताजी यहाँ दुष्ट वानर हाजिर है। गाँव रे वानर, गाँव कौन है, इसके बल पर मेरी वाटिका को उजाड़ा है। अरे अभिमानी, बता सच फांद कर सागर, यहाँ कैसे चला आया। जरा कुल बाग मेरा भय जरा मन में लाया। भय भय चोर तो होता है, जिसे सतमार्ग प्यारा हो। सच्चाई पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका। भय कब दुनिया से डरता है। अच्छा कौन है, मेरी वाटिका को क्यों जाड़ा है, मेरे माली और अक्षय कुमार को क्यों मारा है। वाटिका को जाड़ा है आपका दर्शन पाने के लिए, और हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। आखिर तू कौन है, किसका भेजा हुआ लंका में आया है। मैं हनुमान अंजनी कुमार हूँ, सुग्रीव का मंत्री और महाराज रामचंद्र जी का आज्ञाकार हूँ। और बता क्या संदेश लाया है। लंकेश, तू वीर और बलवान है, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान है। नीति कुशल होकर तूने नीति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। माता जानकी को चुराकर बड़ा ही नीच कर्म किया है। याद रख,
यदि कुमार को छोड़कर सतमार्ग पर नहीं आएगा तो सिर धुन धुन कर पछताएगा। क्या कहा? पछताएगा? हाँ हाँ पछताएगा, ऐसा नीच कर्म करने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश, सर्वनाश, अरे ज्ञान के शत्रु मेरा सर्वनाश। बल ज्ञान बल में एक हूँ, बुद्धि प्रवीण हूँ, किस तरह नाश होगा मेरा जबकि मैं नाशहीन हूँ। निसंदेह गुण ज्ञान और बुद्धि अभी तक आपके पास विद्यमान है, किंतु याद रखिए पतन की ओर ले जाने वाला यही अभिमान है। अभिमान रहा किसके किसका जग में, जो चढ़ता है सो गिरता है, वह पत्थर भी डूब जाता है जो गरज कर कर गिरता है। ऐसी बातें कहकर मेरे स्वाभाविक क्रोध को ना जगा, अग्नि में तेल डालकर उसे और ना बढ़का। नहीं तो, नहीं तो बात जो चल रही है तेरी उसके सब टुकड़े बना दूंगा, नजर का धूल कर दूंगा, ध्वजा आकाश में उड़ा दूंगा। रावण निर्दोष का कोई क्या बिगाड़ेगा, जो पाप कर्मों से आप ही मर रहा है वह दूसरों को क्या मिटाएगा। आएगा जब काल सिर पर तो पल पल में जीवन का नाश होगा, अकड़ता है जिस वैभव पर वह चलते पल में खाक होगा। क्यों नहीं, आपने स्वामी के गुण गाकर मेरी कीर्ति को नहीं घटाएगा तो टुकड़ा भी कहां से खाएगा। वानर में अस्वाभाविक गुण होता है, उछलता कूदता है, नाच लोगों को दिखाता है, परंतु अपने स्वामी के लिए टुकड़ा कमाता है। लंकेश तू जो कहे सब ठीक है, तू नहीं जानता कि श्री राम जी के शत्रु की रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं है। फंसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है, फिरी आंखों पर चर्बी है, कुछ नहीं देता दिखाई है, चला है मार्ग पर उल्टे, तुझे उल्टी सुनाई है। समझ और देख तू किस बात में तेरी भलाई है। और अज्ञान तो तू खुद बन रहा है, आदान दूसरों को बताता है। बकरी का भला चैन से भी कोई मेल है, रावण का सामना करना भला बच्चों का खेल है। ठीक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, हुआ ज्ञान के वश विश्व को अमृत जानता है तू, समुंदर का गुण पत्थर का कंकर मानता है तू। बुरा भी जीव का अच्छा भी कर्माधीन होता है, किसी का नाश हो तो पहले बुद्धिहीन होता है। इतना मुंह इतना बचाओ और चंडाल करेगा बक बक जो अभी बाजी, जीत तेरी निकाल दूंगा, भगत का पृथ्वी पर एक घड़ी में जान पापी निकाल दूंगा। तेरा लोगों में होगी रक्षा, कोई बहाना नहीं मिलेगा, समझ रहे तेरे गरीब को जग में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, मुंह छिपाने वाला नहीं मिलेगा, बड़ी सहेली और लाश तेरी कहीं उठाने वाला नहीं मिलेगा। बात जाता है बोलने से, बात फटकर चलाता है, काम मैं करता हूँ जितना बिठाई उसे दिखाता है, बिठाई करता ही जा रहा है, अगर मैं बैठा ही जा रहा है, मैं दो तो इसे चुप हूँ तो सिर पर चलता ही जा रहा है। दांत बनकर जीता है मैं, राजनीति पकड़ता है, है मेरा दासों के दास, जिनको भगवान मानता है। मैं जिनको भगवान मानता हूँ वह तीनों लोगों के है विधाता, जो तू है सेवक तो है विधाता। संभाल संभाल और संभाल रे वानर, तू आज जीने से तंग आया, अरे मां नीच वन के जंतु दानव रावण का खौफ खाया। मैं खौफ खाऊं तेरा मूर्ख, नहीं गुरु ने मेरे सिखाया, वह क्या मिटाएगा दूसरों को जिसे कुकर्म ने आप ही मिटाया। आज नहीं सहा जाता, देखता हूं तुझे कौन बचाता है, किया अपमान जो मेरा मजा उसका चखाता हूँ, तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूँ। अरे भाई साहब, भाई सोच समझ कर ही निर्णय कीजिए। सर्वत्र क्षमा है दूतों को,
ऐसा न करो जग दिकारे लंकापति की करतूतों को। फिर ये राजसभा है राजन, अन्याय ना यहाँ कीजिएगा। देना ही है यह यदि दंड दंड इसे तो अवसर देकर दीजिएगा। आखिर यह दूत है और नीति में दूत को मारना अनुचित कहा है, इसलिए इससे क्षमा कीजिए। यह मृत्यु दंड के अतिरिक्त कोई और दंड दीजिए। अच्छा, हमने ठीक कहा विभीषण। अच्छा ऐ सभासदों, बिना पूछे पूछ घुमा इसमें भाग उजारा सारा है, इसलिए निपूछा करो इसे। यह आदेश हमारा है, हे और तेल से वस्त्र भिगो कर बांधा पूछ में वानर की, पैर हाथ में लेकर मशाल आग लगाओ पूछ में वानर की। जब चली पूछ से जाएगा अपने स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए उन तपस्वियों को अधिशेखर यहाँ ले आएगा। Yeah!